एक फिनिश कैसे करते हैं, आरमोल आरमोल फिनिश करने के लिए सीखेंगे किस तरह से फिनिश है। पहले हमने वीडियो में ये गले के फैसिंग फिनिश कर लिया था, पलटने के बाद प्रेस से हमने लगा लिया, प्रेस से लगाने के बाद इस तरह से इसे फिनिश हो गया अंदर से। अब कैसे है, अब इसके बाद आरमोल हम फिनिश करते हैं। आरमोल फिनिश करने के बाद यहाँ से इसको टर्न करना है, बिल्कुल ऐसे सीधा ये अंदर है, बाहर उल्टा उल्टा दोनों साइड में आ जाएगा। और इसको सेंटर से स्टिच कर लेते हैं, शोल्डर को सेंटर मिला लेना, शोल्डर शोल्डर, और उसके बाद यहाँ से स्टिचिंग करते हैं। जितना आप सिमिल अंक दे रखते हैं उतने ही सिमिल अंक से आपको स्टिच करना है। यानी फ्रंट आर्म को फ्रंट में लाइनिंग के साथ, बैक को बैक में लाइनिंग के साथ अटैचमेंट करना है। इसको राउंड में हल्का थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। अब यहाँ से फ्रंट के साइड इसको अटैचमेंट कर देंगे। जो सीधा है वो अंदर की साइड चला जाएगा, बाद में उसको हमें पलटना पड़ेगा। उल्टा उल्टा अंदर रख करके जैसे फैसिंग अटैच किए थे सेम टू सेम ऐसे ही करते सेम यहाँ से स्टिच करते हुए। सेम दूसरे साइड पे ऐसे स्टिच करें। स्टिच करने के बाद आपको क्या करना है, अब इसके लाइलिंग लाइलिंग के ऐसे ओपन करके, इस तरह से ओपन करके लाइलिंग पर एज एज पर सिलाई लगाना है, जिससे आपको बाहर की तरफ लाइलिंग नहीं निकलेगा। ये स्टिच लगा देने से बाहर लाइलिंग नहीं निकलती है, तो आपको जहाँ तक ये मशीन जाती है वहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा करके एज एज पर स्टिच लगाना है। अपर पर नहीं लाएगा, लाइलिंग पर लाएगा। जहाँ तक मशीन जा रही है वहाँ तक आप स्टिच लॉक स्टिच करके इसको निकालें। फिर दूसरे साइड से बैक के साइड से इसको लाइनिंग पर ये जैसे सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक स्टिच लगता है आपको स्टिच लगा दें। इसको पलटना। अब इसको क्या करना है, बैक साइड से यहाँ से फिंगर अंदर करेंगे और यहाँ से स्क्रू ड्राइव हो चाहे पेचकस हो किसी भी तरह से इसको नीचे वाला पैनल फिंगर से पकड़ करके अंदर की साइड खींचना। आपको यहाँ से फिंगर हमने डाला है इस साइड से और यहाँ से इसको ऐसे खींचना। खींचने के बाद आपको प्रेस से बैठा देना, प्रेस से ये बैठ जाएगा। इस तरह से आपको प्रेस से इसको बैठा देना। प्रेस से बैठाने के बाद क्या करना है आपको, अब बैक और फ्रंट की साइड जोड़ेंगे, लाइलिंग को लाइलिंग के साथ और अपर को अपर के साथ। ये आर्मोल है हमारा, आर्मोल यहाँ से सेंटर मिला लेंगे और जितना सिमिल से सिमिलांस मिला करके स्टिच कर देंगे। आर्मोल के सिम मिला लेते हैं, यहीं से स्टिच करते हैं। ये जो पहले वाले वीडियो डाले थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और इजी है। ये लाइलिंग पार्ट है, लाइलिंग पार्ट को लाइलिंग के साथ अटैच। सेम दूसरे साइड में
वैसे ही अटैचमेंट करना है। आर्मोर को दोनों आर्मोर मिलाएंगे और ये सिम मिला लेंगे, अपर अपर अटैच करेंगे और लाइनिंग लाइनिंग अटैच करेंगे। जितना सिम अलाउंस है उतने ही सिम अलाउंस लेकर के आपको स्टिच करना है। आर्मोर का ज्वाइंट ध्यान रखना, मिलना चाहिए। इसको भी अगर चाहें तो परे से फ्लैट कर सकते हैं, नहीं तो बैक के साइड ऐसे जॉइंट गिरा करके उसको स्टिच। अब क्या करेंगे, अब नीचे का बॉटम साइड, बॉटम के साइड से इसको स्टिच करेंगे। पहले आपको बॉटम स्टिच कर लेना है नीचे से लेकर के सारे। बीच में 4 इंच आपको जगह छोड़ना है ताकि उसको पलट सके। बिल्कुल उल्टा करके, ये उल्टा करके बॉटम अटैचमेंट होगा, इसका सीधा अंदर, इसका सीधा अंदर, तो इस तरह से मिला करके आपको सारे जो स्टिच करना है। बीच में हम जगह छोड़ देते हैं 4 इंच पलटने के लिए। ये बीच में हमने 4 इंच जगह छोड़ दिया था इसको पलटने के लिए। अब क्या करना है, आपको यहां से इसको टर्न करके, ये नोचे से हमारे फोल्डेड लाइन, इसको टर्न करके यहां पर स्टिच कर देना। फोल्ड कर दिया, यहाँ से इसको टर्न करके, ये जो नोचेस फोल्ड है इसको फोल्ड कर लेंगे और जितना ये फोल्ड होता है इस हिसाब से इसको फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। से दूसरे साइड में ऐसे ही करना। ये हमारी नोसेस लाइन, नोसेस लाइन से टर्न करने पर इसको भी टर्न यहीं से करना है, ये फोल्डेड लाइन चला जाएगा और इसको इस तरह से सेट करना है। जितना यहाँ से स्टिच के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है उसको जाने देना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम इसको यहाँ से पलट लेंगे। इसका पॉइंट वॉइंट अच्छे से निकाल लेना किसी ने पीले चीज से।
ये बेस कोट कंप्लीट हो चुका है आपको सारे फिनिश करने के बाद इस तरह से आईएमएस में ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड आपको तीन बटन या दो बटन आप जो भी मेजरमेंट में बनाएंगे इस तरह से आपको काज और बटन लगाना ठीक।